और भाग्य चक्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी नीतू का नमस्कार। और आचार्य जी आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले आपको बताएंगे पंचांग। तो आचार्य जी आज का पंचांग क्या है? आज 21 अगस्त दिन बुधवार जी, भाद्र किशन पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो पूरा दिन रहेगी। आज अश्विनी नक्षत्र है रात्रि 12:27 तक। गणमूल नक्षत्र है, आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के गणमूल की पूजा लगेगी। आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर आप रख सकते हैं चू चे चो या ला पे भी रख सकते हैं। आज गंडी योग है 4:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में, सूर्य भगवान सिंह राशि में चल रहे हैं। आज का राहु काल 12:00 से 1:30 तक रहेगा। और आज का दिशासूल उत्तर दिशा में, आज का दिशासूल है, अति आवश्यकता में आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले तिल खाकर निकलें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय रहे। इष्ट देव को नमस्कार जरूर करें। आज का शुभ समय, आज का लाभ का चौघड़िया रहेगा प्रातः 7:15 से 9:15 तक। और अमृत चौघड़िया रहेगा सायंकाल 5:00 से 6:25 तक। ये समय बहुत ही उत्तम है, इसमें आप किसी प्रकार का कार्य कीजिए, निश्चित रूप से उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से पंचांग के मुताबिक अपने कार्यों को करना चाहिए, और वैसे कभी कभी आप ये भी बताते हैं कि अलग अलग दिनों के हिसाब से कुछ खा के निकलना चाहिए। जैसे कि आज आपने बताया कि तिल का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, तो अलग अलग दिनों का अलग अलग क्या महत्व? बिल्कुल, देखिए दिशाशूल होता है, आप जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उसमें एक शूल शूल माने कांटा, यानी वो दिशा आपके लिए कष्टकारी है, आपको कष्ट मिलेगा उस यात्रा में, उसको अति आवश्यकता में कई बार जाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं अति आवश्यकता में उपाय जरूर करें, जैसे सोमवार को दूध पी के निकलें, मंगलवार को गुड़ खा के निकलें। उससे क्या है, जो शूल है दिशा शूल, यानी उस दिशा में जो शूल आपको कांटे लगने हैं या कष्ट लगना है, वो कष्ट कम होगा, काफी कम हो जाएगा या कष्ट बिल्कुल ही नहीं होगा जी। और समय हो चला है राशिफल जानने का, तो लेंगे आज का राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, दफ्तर में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लोगों की उदारता आपको पसंद आएगी। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार है, आज आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, माता पिता से संबंध बेहतर होंगे, परिवार के साथ मनोरंजन के लिए कहीं आप जा सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज नए लोग संभल कर चलें, दफ्तर में आपकी शिकायत कर सकते हैं, बड़ों की सलाह लेना बेहतर होगी, उधार लेन देन से बिल्कुल सावधान रहें, बिल्कुल नहीं करना, प्रेम संबंधों में मिठास भी आज बनाए रखें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आज कानूनी मामलों में दोस्त आपकी सहायता करें, दोस्तों से संबंध भी मजबूत होंगे, थोड़ी मेहनत के बाद बड़े धन की प्राप्ति होगी, परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, नए काम की ओर आपका झुकाव रहेगा, सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहिए, कारोबार में मुनाफा होने की संभावना है, सोच समझकर बड़ी डील से आगे बढ़ाएं, कारोबार में मुनाफा निश्चित होगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, दफ्तर में कोई नया काम आज आपको मिल सकता है, परिवार के साथ समय भी अच्छा व्यतीत होगा, माता पिता के साथ धार्मिक स्थल में जाने का प्लान भी बन सकता है, शिक्षा के जुड़े हुए लोगों की आज तरक्की निश्चित होगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, कारोबार में उम्मीद से थोड़ा कम लाभ मिलेगा, जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करें, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रहेगा, दफ्तर में काम भी थोड़ा ज्यादा रहेगा।
धनु राशि के लोगों का दिन आज सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े सभी कार्य पूरे होंगे। किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें। दोस्त आपके घर मिलने आ सकते हैं। दोस्ती मजबूत होगी। सामाजिक कार्यों का आप हिस्सा लेंगे। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज काम के सिलसिले में की गई यात्रा बहुत ही शानदार रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में खुशी का माहौल होगा। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आज विचार करेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज परिवार के लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। कैरियर में तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। आज ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। कारोबारियों के लिए यात्रा अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी शानदार रहेगी। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आय के नए जरिए खुलेंगे। रुका हुआ कार्य भी आज पूरा हो जाएगा। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जी। और आचार्य जी, अब आज का सवाल लेंगे। और आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुधवार है और बुधवार का दिन जुड़ा होता है बुद्धि से, तो बुद्धि का हमारी जिंदगी पर क्या कुछ महत्व है और किस तरह से ये ग्रह हमारे लिए मजबूत बना सकते हैं और बेहतर है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जन्म कुंडली में जो ग्रह है बुध, उसका बड़ा महत्व है। बुध को कहा गया है बिना पैंदे के लोटा, यानी जिस ग्रह के साथ मिलता है उसका फल देना शुरू कर देता है। अच्छे ग्रह के साथ मिलेगा तो अच्छा फल देगा, बुरे के साथ मिलेगा तो बुरा फल देगा। बुध ग्रह को कन्या का रूप माना गया है, तो इस प्रकार अगर बुध अच्छे ग्रहों के साथ जुड़ जाए तो बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि हमारे जीवन में तीन चीजें अति आवश्यकता है और माता रानी से हम मांगते भी हैं। बुध माता का भी कारक है। अगर देवी देवताओं में देखें तो बुध दुर्गा का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, हे माता हमें बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि बुद्धि की सबसे ज़्यादा जीवन में महत्व होता है। आपके पास धन दौलत है, अगर बुद्धि नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार बुद्धि का सबसे धन से भी ज़्यादा महत्व है। अक्सर देखा जाता है कई बच्चों के माता पिता बहुत अमीर होते हैं परंतु बच्चों में बुद्ध कमजोर होने के कारण बुद्धि नहीं होती, तो वो धन दौलत सब बेकार है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम के पहले दर्शक नंदलाल सोलन से जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरी भाव का डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1986 और रात के 8:13। हाँ जी। और अर्जी सोलन। हाँ जी पंडित जी, इससे 700 और बच्चे सब परेशान है, क्या करना है? बिल्कुल, देखिए जब भी जन्म कुंडली में बुध खराब होता है, आज का आप कार्यक्रम पूरा देखिए, जब भी बुध खराब होता है प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है और गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो इनका वर्तमान समय में ग्रह गोचर में बुध खराब चल रहा है। बहुत लंबा समय तक नहीं है, थोड़े समय के लिए ठीक हो जाएगा। गुस्से पे कंट्रोल रखो और इनके सभी कार्य अच्छे होंगे। अच्छी खबरें मिलेगी इनको 2020 जनवरी के बाद। जो भी सोचा है, आपसी संबंध बेहतर होंगे और जो भी इच्छाएं हैं पूरी होगी। बुध का उपाय हम इस प्रोग्राम में बताएंगे, वो जरूर करवाएं जी। तो आचार्य जी, अब समस्या जो भी थी उसे आगे बढ़ाएंगे चर्चा का विषय। और चर्चा का विषय है कि आज बुधवार है और बुध जो कि बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जैसा कि आपने बताया कि बुध जिस भी ग्रह के साथ मिल जाए उस तरह का फल देखने लगता है। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो जन्म कुंडली में एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी डरते हैं वो बुध और राहु से डरते हैं जी। क्योंकि बुध को पहचानना, राहु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। चंद्र, बृहस्पति, सूर्य ये अच्छे ग्रह हैं, ये कभी बुरा नहीं करते, ये हमेशा ही अच्छा करते हैं। कभी कमजोर होते हैं तो अच्छाई को कम कर देते हैं, परंतु बुध ऐसा ग्रह है अगर राहु के साथ मिल जाए तो इंसान को खराब कदम खत्म कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है। तो बुध को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। कहते हैं जिसने बुध को ठीक कर लिया, समझ लीजिए जन्म कुंडली के सारे ग्रह ठीक कर लिए। क्योंकि बुद्धि का प्रारंभ बचपन से शुरू हो जाता है और अंत तक बुद्धि यूज करनी पड़ती है। धन दौलत कम हो जाए कोई बात नहीं, पर बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है
लोग गरीब होते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, परंतु बुद्धि अच्छी होती है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहता है, बच्चे अच्छे आज्ञाकारी होते हैं। ठीक है, कमजोरी है, गरीबी है, परंतु बुद्धि अच्छी है। कभी कभी देखा जाता है बहुत अमीर लोग होते हैं परंतु उनके बच्चों का बुद्धि खराब होता है, वो माता पिता को कभी ना कोई परेशानी में डालते रहते हैं, कभी पुलिस केस हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, बच्चों की बात नहीं मानते और माता पिता बहुत दुखी होते हैं और बच्चे कई प्रकार के नशा लेने लग जाते हैं। तो बुद्ध को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार बुद्ध अगर ठीक है तो समझ लीजिए आपका जीवन बहुत ही उत्तम है। जी, तो बुद्ध को अब ये समस्या होती है कि बुद्ध को आखिर ठीक कैसे किया जाए। बिल्कुल, देखिए बुद्ध कहाँ कहाँ खराब होता है आप स्वयं देख सकते हैं जन्म कुंडली, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो अक्सर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी को होता है। हमारे दर्शक जो फोन करते हैं कई उनको भी कुछ हद तक ज्ञान होता है। तो इस प्रकार बुध लगन में बहुत बढ़िया होता है। बुध कहते हैं लगन में हो तो इंसान पूरी तरह से चापलूसी करता है, अपना काम निकालने के लिए किसी प्रकार की एडजस्टमेंट से करनी हो तो कर लेता है, हमेशा ही मीठी वाणी बोलता है और वाणी का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। मीठी वाणी देना बुध का काम है, खराब वाणी देना भी बुध का काम है। जब बुध खराब होगा तो मधुर वाणी नहीं देता, बुध अच्छा होगा तो मधुर वाणी देता है। जब हम विवाह संस्कार कराते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं दूल्हा दुल्हन को कि वांगे में अस्यस्तु, कि हे प्रभु, हे बुध ग्रह, हमें मीठी वाणी दीजिए। अगर आपकी वाणी मीठी है तो संबंध बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। संबंध चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, दोस्त का हो, बॉस का हो, या आपके कार्यस्थल में आपके सहकर्मियों का हो। अगर बुध है तो कहते हैं एक बुध अच्छे वाला 1000 लोगों को हरा सकता है। मान लीजिए 1000 लोग बंदूक लेके खड़े हैं, अगर आपका बुध अच्छा है तो आप उनको इम्प्रेस करने की कला है तो वो सब आपके गुलाम हो जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, हजारों लोग उनकी संख्या में आते हैं, लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि उनका बुध अच्छा होता है, वो ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं सभी लोग सहमत हो जाते हैं। तो बुध जिसका अच्छा है वो राज करता है। बुध प्रथम भाव में बहुत अच्छा होता है, राजयोग बनाता है। जिसका जन्म कुंडली में बुध पहले घर में होगा वो बहुत ही मीठी वाणी बोलेगा और उसकी कन्या निश्चित रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट निकलेगी और बहुत ही मीठी वाणी बनेगी। इस प्रकार से अगर हम बुध को देखें द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव भी बुध बहुत अच्छा फल देता है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, सुनीता, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 24/12/1992 में, हाँ जी, शादी कब तक हो जाएगी? देखिए शादी के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब भी जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है तो बाधाएं आती है, मंगल कार्य नहीं होने देता, रिश्ते आते हैं कोई ना कोई, कभी इधर से ना हो जाती है, कभी उधर से ना हो जाती है, कभी घर वाले ही कंडीशनें लगा देते हैं, लड़की दूर की होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, ये सब कंडीशनें घर वालों की कोई गलती नहीं है, लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़की की कोई गलती नहीं होती, ये ग्रह ऐसा करवाता है। ग्रह कहता है अभी मंगल कार्य नहीं होगा, तो मंगल का उपाय कीजिए, इसका मंगल थोड़ा खराब है इसलिए आपके घर में जो मंगल कार्य है उसमें बाधाएं आ रही है। आप मंगलवार को मिट्टी गुड़ की रोटियां बनाइए या परांठे बनाइए, कौओं और कुत्तों को खिलाइए, इससे क्या है मंगल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल हमेशा ही अपने बराबर के ग्रह के साथ टक्कर खाने पर ठीक होता है। जो कुत्ता और कौआ है वो शनि है, अगर मंगल की वस्तुएं हम शनि को देंगे तो मंगल की पावर कुछ हद तक शनि महाराज कम कर देंगे और आपके घर में मांगलिक कार्य होगा। जी, तो आचार्य जी अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो बुध विषय के ऊपर है। आचार्य जी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी दिनचर्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का बुध अच्छा है या फिर दूसरे व्यक्ति का खराब है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है, बुध जिसका अच्छा होगा हमेशा ही आदमी मीठा बोलेगा, उसके दिमाग में अपना कार्य सिद्धि का योजना बनी होगी, मैं किस प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करूं। वो किसी भी हद तक झुक सकता है, किसी भी हद तक चापलूसी कर सकता है, उसने अपना काम करवाना ही करवाना। जो इंसान मीठा बोल रहा है, जो इंसान आपकी बात में हाँ कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ काम करना चाहता है और उसका बुध बहुत ही अच्छा है। ऐसा इंसान हमेशा ही तरक्की पाता है। अक्सर देखा जाता है लोग कहते हैं
युवा वर्ग में अक्सर ही शिकायत होती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, परंतु बॉस किसी और को प्रमोशन दे देता है, इंक्रीमेंट किसी और का लग जाता है, हमें डांट पड़ती है। इसका मतलब आपका बुद्ध कहीं ना कहीं कमजोर है। आप शारीरिक मेहनत करते हैं परंतु आप जो बुद्धि है, डिप्लोमेट है, वो नहीं कर पाते, इसलिए आप पिछड़ जाते हैं। जी, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको सही करके बुद्ध को भी बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, बुद्ध को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुद्ध खराब हो जाए, बुद्ध राहु की युति, बुद्ध सबसे ज़्यादा खराब होता है बाहर में घर में, बुद्ध राहु अगर इकट्ठे हो जाए, राहु क्या है, जहर, छलावा, षड्यंत्र, तो बुद्धि में ऐसी चीज़ें भर देता है, छलावा, षड्यंत्र, तो इंसान का बुद्धि खराब हो जाती है। जो बड़े बड़े लोग क्रिमिनल क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरियाँ करते हैं, उनका बुद्ध खराब होता है, कहीं ना कहीं उनका बुद्ध राहु इकट्ठा होता है, क्योंकि राहु उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। इसलिए जो भी युवा वर्ग अपने कार्य क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो उनको ज्ञान लेना चाहिए जिनका बुद्ध अच्छा है, जो चापलूसी करते हैं, जो हमेशा मीठा बोलते हैं, जो आपको इम्प्रेस करते हैं, जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बुद्ध को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपके घर में बहन बुआ बेटी है तो उसको नमस्कार करें, उनको खुश करें, क्योंकि बुद्ध जब भी खराब होगा घर में बहन बुआ बेटी दुखी रहेगी, और अगर वो खुश रहती हैं तो इसका मतलब आपका बुद्ध बहुत ठीक है। आपके घर में अगर बहन है तो उसको खुश रखें, उसको हरे रंग की मिठाई खिलाएं, हरे रंग के कपड़े दें, हरे रंग का पहन दें, ताकि आपका बुद्ध अच्छा हो जाए। दूसरा उपाय, अगर आपका बुद्ध बहुत खराब है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, क्रिमिनल केस आप पे बना हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही, माता पिता बहुत दुखी हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है नाग छेदन। नाग छेदन से क्या है, लगाम लगती है। जी बिल्कुल, ये तो थे वो सारे ढेर सारे उपाय जो कि आपकी बुद्धि को बेहतर बनाएंगे, आपका बुद्ध ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इन सारे उपायों को जरूर अपनाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, जय माता दी।